नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, आज से 18वीं लोकसभा संसद चालू है, मजबूत विपक्ष है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जी, इस बार मजबूत विपक्ष संसद भवन में दिखेगी। सर, पूरी विपक्ष जितनी भी है उसके लिए भाजपा लिए काफ़ी है। हर विषयों पर हम जवाब देने को तैयार हैं और लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि हमेशा विपक्ष जागृत रहे। लेकिन हम ये चाहेंगे कि विपक्ष सकारात्मक रहे, विपक्ष सही मुद्दों को उठाए, उन मुद्दों पर पूरा जवाब दिया जाएगा, हर सुझाव को स्वागत किया जाएगा। लेकिन उनकी सोच और उनका जो विचार है वो काम के दिशा में हो। हंगामा करना अगर उनका मकसद होगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है, लोकतंत्र में खूबसूरती होती है विपक्ष अपनी बातों को रखे और माननीय हमारे नेतागण, हमारे मंत्रीगण सभी सवालों का जवाब देंगे और देश के हित में जो भी विषय हैं वो सभी विषयों पर उनको संतुष्ट किया जाएगा। सर, मानसून आने वाला है। पटना में जिस तरह से नाले की उगाही होती है, जिस तरह से नाले की होती है, पानियों से पूरा पहला पानी में ही पटना का पोल खुल जाता है नगर निगम का, और आप उस विभाग के मंत्री भी हैं। देखिए, मैं कोई दावा और एथिक के खेल में नहीं फंसता हूँ। मेरा ये मानना है, हम लोगों ने मॉनिटरिंग किया है। कल खुद मैं फिर से तीसरी बार सभी नालों के जो बड़े नाले हैं और सम्प हाउस की मॉनिटरिंग करने जाऊँगा। हम लोगों ने इसके पूर्व भी दो बैठकें की हैं विधायकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, फिर सभी अंचल वाइज वार्ड, हर एक अंचल में वार्ड काउंसलर और डिप्टी मेयर और कमिश्नर मेयर की उपस्थिति में बैठक हुई है। जहाँ जो समस्याएं वार्ड पार्षदों ने बताई उसको भी निराकरण किया जा रहा है और एक टीम वर्क में नगर निगम पूरी प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि इस बार भी बरसात, अगर हेवी रेनफॉल भी होगा तो जो समय सीमा हम लोग रखते हैं उस समय सीमा के अंदर पानी निकलेगा। पटना के जो भौगोलिक स्थिति है उसको समझते हुए हम लोगों ने हर जगह काम किया है। एक आखिरी सवाल लेंगे, सीबीआई की टीम कल नवादा पहुंची थी जांच करने के लिए, नवादा में उनके ऊपर हमला किया जाता है सीबीआई की टीम के ऊपर। देखिए, ऐसे जो लोग भी हैं, जो लोग को लगता है कि सीबीआई के जांच को रोक देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार और भाजपा की सरकार इस बात पर स्पष्ट है कि हम केंद्र की एजेंसी को जांच को कोई भी रोकने नहीं दिया जाएगा। जो स्थिति बंगाल में वो स्थिति बिहार में नहीं पनपेगी और स्वतंत्र रूप से सीबीआई जांच करेगी। जहां पर भी जो लोग दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। एक सप्ताह में 3 पुल गिरे हैं सर पूरे बिहार में। उस पूरे एक दो पथ निर्माण के निश्चित हैं, एक RWD निश्चित है। विभिन्न विभागों में जो ये विषय आए हैं उन पर पूरी तरह से जाँच चल रहा है और अब तक कुछ लोग पर कार्रवाई हुई है और आगे भी जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। जो लोगों ने आज तक सोए हुए थे, कहीं ना कहीं जब डिपार्टमेंट मिला तो 1.5 साल 2 साल तक मंत्री बनकर कभी समीक्षा नहीं की, आज बयानवीर बन रहे हैं तो बयानवीर बनने से नहीं चलेगा। चलिए, देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन। तमाम सवालों को जवाब दिया, तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्जी वाचक चैनल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।